ऐसे चाहे इतना धुआं हो जाए कि पूरा में आग लगल है मानिए सब पेट्रोलियम बाप रे उहे निकल के मैं जाऊ गैस में आग हम तो यहां बढ़ गेले हम तो ना बहुत ब्रश कर में आग तमाम के आग ए देखिए पूरा बकरा घर में धरा था घर में धरा था घर में सिलेंडर आवाज कर रहा है अगर उहे चीज अगर गांव में होती है पिछला पोजीशन में लड़ गया। अच्छा, ऊपर से गाड़ी घेर करके लोग पीट रहा है हमको, बताइए मतलब बोल रहा है कि किसी को ठोक के निकाले हैं? एकदम नहीं ठोक के निकाले है, हुआ कर खुद लड़ा है गाड़ी में। अच्छा, क्या नाम हुआ आपका, आपका घर कहाँ हुआ? वनस्पति स्थानीय निवासी है। आग यहाँ पर कैसे लगी है? हमें ये नहीं पता कैसे लगी है। अच्छा, यहाँ पर पता चला, हमको जानकारी मिला है कि अवैध धंधा, जैसे कि हम ये नहीं कह सकते, नहीं कह सकते हैं। 12 गो सिलेंडर था। अच्छा, पैक था, 5 गो फटा है। अच्छा, 2 गो 4 गो मतलब फेंकाया है खाली सिलेंडर, उसके बाद 7 गो सिलेंडर यहाँ पे है, भरा हुआ सिलेंडर ब्रास्ट किया, भरा हुआ, जिसे हम बचाने के लिए फायर ब्रिगेड को हम बोले भी है कि पहले इसको ठंडा कीजिए, तो उस समय ट्रक पे जो है वो फायर चलाया गया था। अच्छा, हम बोले नहीं पहले ये निकालिए, फिर भी हम प्रशासन पर क्या आरोप है आपका, प्रशासन पर कि हमारी नहीं सुनती है, क्यों नहीं सुनती है आपका, ट्रक सुनती है क्यों, मतलब अभी धंधा भी चल रहा था ऐसा जानकारी मिल रहा है हमें। अब ये नहीं कह सकते हैं वो टट्टू कौन है, लेकिन पता लगा लेंगे। इसी ट्रक से जो ट्रक है, ट्रक के आगे के हिस्सा से आग देखा गया है, कोई था नहीं। बताया जा रहा है कि यहाँ पर अवैध धंधा भी किया जा रहा था गैस सिलेंडर की, इस पर क्या कहना चाहेंगे, इस पर क्या कहना चाहेंगे जो अवैध धंधा के भी इसमें मामला सामने आ रहा है? घरेलू गैस जो है जो भरता था। अच्छा, उसमें भरना 5-7 सिलेंडर का उससे इस्तेमाल था उसका, और बाकी वो 150 सब नहीं है ना, कोई हताहत के कैसा मामला है? होटल है यहाँ, खड़ा रहता है अक्सर, कभी भी आता है तो यहाँ खड़ा रहता है, खाना अभी तक कोई जान माल की ना कोई। बोलो, हम राम कुमार प्रसाद धनुषपट्टी, और यहाँ अवैध ढंग से गैस का काम, डीलर से राशन खरीदना, डीजल खरीदना, मोबिल खरीदना, इनका बरसों से काम रहा है जी। और उसी क्रम में रात भर 10-12 लेबर रख कर गैस उस अपना आग उग लगा कर कैसे क्या जलाते थे, सुबह में आग लगी जिसमें हमारा भी ग्रिल दुकान का लाखों क्षति हुई बगल में जी। प्रशासन का बहुत सहयोग फायर ब्रिगेड वाला का रहा, जो उनके आने के बाद अगल बगल का पेट्रोल पंप भी सब जलने से गांव बचा जी। और प्रशासन रून्नी सैदपुर जो है से इस पर कोई कार्रवाई वर्षों से नहीं कर रही है, हालांकि डेली जो है से अपना व्यवस्था अपने रोटी सेकने में लगे हुए हैं। आपका परिचय? राम कुमार प्रसाद धनुषपट्टी।